रामपुर डिस्टिलरी के हैंड सैनिटाइजर बॉटलिंग प्लांट में लगी आग धुआं बनकर सुलग उठा प्लांट। आग लगते ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर कई गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कोई जनहानि नहीं है, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अभी तक किसी के आग की चपेट में आने की सूचना नहीं है। अभी ये भी जानकारी नहीं मिल सकी कि आग कैसे लगी और यहाँ कितना नुकसान हुआ है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। अभी कैसे लगी ये तो नहीं मालूम हुआ है, थोड़ा सा जांच करेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कैसे लगी। कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ, कोई चिंता तो नहीं है। नहीं, नुकसान सिर्फ जो इनका यहाँ पे जो सामान रखा है पैकिंग मटेरियल, उसी का नुकसान हुआ है, बाकी और किसी को कोई हताहत नहीं हुआ। कोई आदमी तो नहीं झुलता काम करने में, कोई आदमी तो झुलता नहीं है आज? नहीं नहीं, कोई आदमी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, सिर्फ माल माल जला है और जो आप देख रहे हैं पैकिंग मटेरियल है खाली और कोई खास विशेष चीज़ नहीं। सर आग पर कितने घंटे में काबू पाया गया? सर घंटे का हुआ है, अभी तो प्रिंट हुए, आप लोग शोर से देख रहे हैं। कितना समय लग गया लगभग आग पर? कल अभी तो आग बुझाई रहे हैं हम लोग, जो है फिनिशिंग पॉइंट पे है। सर कितनी गाड़ियाँ आ चुकी फायर ब्रिगेड की? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ मौके पर आई हुई हैं। सर आग की वजह क्या थी? आग की वजह अभी नहीं पता चल पाई है। और फैक्ट्री में जो प्रबंध है बुझाने के, तो उससे क्या लगता है, उससे संतुष्ट है? आग बुझ चुकी थी उसी को पहले? नहीं नहीं, देखा आप देख रहे हैं फैक्ट्री में जो है हाइड्रेंट वगैरह है, पानी की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, उसी की मदद से हम लोग भी आग बुझा रहे हैं।